न्यायिक व्यवस्था चलना चाह रहे हैं, चलाना नहीं बोला है। आज भी हमें न्याय नहीं मिला है। आज हमारा भाई 5 साल से उसी सुरक्षा मांग रहा था, 5 साल से राजस्थान प्रशासन छोड़ रहा था, नेताओं की चापलूसी गुलामी कर रहा था। आज हमारे भाई की हत्या हो गई, कल से क्या जवाबदारी हम लोगों की सुरक्षा है? कल से खुलेआम कॉल कर रहे हैं, हमारे भी किसी को मार रहे हैं। 2 दिन बाद सरकार में भी एहसान हो जाएगा। क्या क्या साल में मतदाता के हत्यारों को गोली मारो, सालों को यहाँ करके जा रहे हो। अपने अपने तहसील, अपने अपने गांव से, अपने अपने नगर से लोगों को इकट्ठा करना है। पूरा देवास जिला, एक एक हाईवे, एक एक नगर सभी बंद रहेंगे। सेना में सेना, कलेक्टर साहब नहीं पे ना, फिर से वोट एक है। उसके बाद अगर यहाँ पे इसका कल भी कुछ हो, फिर भी कलेक्टर साहब लीव पे रहने चाहिए यहाँ पे, अगर कुछ भी हो देवास में। हाँ, कल से दूसरा ज्ञापन दे तो चार दिन तक अरे सुनो, न्यायिक प्रशासन को भी तो कार्य देना है कि यहाँ से लेटर लिख के वहाँ पहुँचा। नहीं करेंगे ना, वो करेंगे काउंटर के लिए। मेरी बात सुनना, एक बात, वो वहाँ भी इनका मतलब जो डेथ हुई मरा है वो भी, और एक शायद अरेस्ट भी हो गया है। अरेस्ट दोनों मैं मान रहा हूँ, तुम तो दूसरा क्या है, चूँकि जैसे मामला राजस्थान का है तो आपका जो ज्ञापन है और आपका जो आक्रोश है उसे मैं अभी ऊपर जाके तत्काल हम इसको मेल भी कर देंगे और वहाँ अवगत भी कर, ठीक है ना? ये मतलब आप निश्चिंत रहिए, अभी हम जाके सबसे पहला काम ये 24 घंटे बाद हम ये जो आपका आक्रोश है, आपका जो ज्ञापन है, इसको मेल भी करेंगे। बारे में हमसे क्या आश्वासन? हमारा आपसे ये अनुरोध है, आप हमें आश्वस्त करें, आपके माध्यम से एक लेटर लिखेंगे राजस्थान प्रशासन को, सरकार को, जो भी अपराधी है उन्होंने हमारे दादा के साथ इतना गंदा काम किया है। सड़कों पर उतरे हैं, क्या पूरा विषय है और आपने अभी जो ज्ञापन दिया किसके नाम से दिया और क्या आपने मांग की? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेणी, जो पूरे समाज के गौरव थे, यहाँ तक कि 36 कौम के लिए वो काम करते थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे, उनके साथ कल कुछ अपराधियों ने घर में घुसकर उनको पे गोलियां चलाई जिसमें उनकी हत्या हो गई। हम राजस्थान शासन से पहले तो ये पूछना चाहते हैं कि जब 5 साल से उनको धमकियां मिल रही है और वो हमेशा सुरक्षा मांगते थे फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई, तो इसके जवाबदार कौन है और किसके षड्यंत्र है कि इसमें ये भी मिले हुए हैं? राजस्थान सरकार मिली है, राजस्थान के जो बड़े बड़े लोग हैं इसमें कौन कौन इसके पीछे है, और जो पीछे है उनका नाम सामने लाए और उनको खुलेआम गोली मारी जाए, वरना इसका माहौल 24 घंटे में अगर इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी और इसका क्लियर जवाब नहीं दिया कि इसमें षड्यंत्र में कौन कौन है और कौन कौन इसके पीछे लिप्त है और उनको सजा नहीं दी गई, तो पूरा राजपूत समाज और सर्व समाज 24 घंटे बाद आंदोलन करेगा, सारे चक्का जाम होंगे हाईवे। भैया आपने जो देवास में किस प्रकार का आज प्रदर्शन किया है? देवास में सर्व समाज आज एकत्रित हुई दादा के सम्मान में, कल जो घटना हुई उसके दुखद आज हम सब लोगों ने, सभी भाइयों ने ये निर्णय लिया है कि 24 घंटे में अगर शासन, राजस्थान शासन इन लोगों का पर्दाफाश नहीं करती है कि षड्यंत्र में कौन कौन सम्मिलित है, तो हम इन सभी लोगों का विरोध करेंगे और 24 घंटे बाद पूरी करनी सेना और सर्व समाज चक्का जाम करेगी। आपका नाम और पद बता दो। ठाकुर सुरेंद्र सिंह गोड़, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। करने आया था और किस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि पुलिस भी जो है भारी संख्या में दिखाई दी? राजस्थान में हुई सुखदेव सिंह जी की हत्या के संबंध में आज देवास में करनी सेना के द्वारा जो है वो एक ज्ञापन सौंपा गया है और उनके द्वारा जो घटना जिन आरोपियों द्वारा की गई उन पर कठोर कार्रवाई के संबंध में जो है वो ज्ञापन दिया गया है।
क्या क्या मांग है सर उनकी, क्या कहना था? ज्ञापन भी दिया उन्होंने, ज्ञापन दिया है के नाम ज्ञापन दिया है और राजस्थान सरकार को संबोधित है और आरोपियों पर कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। सर सोनकर से भी जो है इन लोगों ने रोड जाम किया, फिर आज यहाँ पर भी किया, कल शाम को खटा में भी किया, तो किस प्रकार की समझाइश सर आपके द्वारा दी जा रही है? इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।